गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. आज मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस को दिखाऊंगा और फिर अपन जो भी डाउट्स होंगे साथ में लेते चलेंगे. प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वायरिंग के ऊपर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लोगों को प्रैक्टिकल में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अगर थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी यूज करना है तो कैसे यूज करना है, स्विच के साथ कॉन्टेक्ट के साथ वायरिंग करनी है तो कैसे करनी है. तो मैं तुम आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आया हूँ. ये वीडियोस मेरे बनाए हुए नहीं है, कुछ वीडियोज है नेट से और यहाँ वहां से मैंने लिए हैं, तो वो वीडियोज आप देखिए. और सेम इसी तरीके से आपको भी वायरिंग करनी है, सब जो सामान है वो लोकली अवेलेबल है. तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देखो. सबसे पहले सिंपल सा एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ. वीडियो शेयर हो गया होगा आपके स्क्रीन के ऊपर. सिंपल सी वायरिंग है, कॉन्टेक्टर के साथ आपको स्विच की वायरिंग करनी है. सबसे बेसिक वायरिंग कॉन्टेक्टर के साथ स्विच की वायरिंग करनी है और कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है, जो कि सबसे सिंपल वायरिंग होती है. कॉन्टेक्टर के साथ स्विच की वायरिंग और कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है. ये पुश बटन स्विच है और ये टॉगल स्विच है. ये वाला जो है ये इसमें रोटेटरी स्विच है, टॉगल टाइप का. ये रोटेट होता है और ये होल्ड हो जाता है. ये रोटेटरी स्विच है और ये पुश बटन है और ये पीछे कॉन्टेक्ट है. स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्ट आपको अलग से खरीदने होंगे. ये हरे रंग का कॉन्टेक्ट है, ये लाल रंग का कॉन्टेक्ट है. हरे रंग का कॉन्टेक्ट जो है ओपन कॉन्टेक्ट होता है, लाल रंग का कॉन्टेक्ट क्लोज कॉन्टेक्ट होता है. और ये स्विच के पीछे आपको ये लगाना पड़ता है. तो ये आप स्विच खरीद के लाओगे तो आप देखोगे पीछे एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू के साथ ये अटैच हो जाता है. ये आपको किसी भी लोकल इलेक्ट्रिक सब जगह तो नहीं मिल सकता, लेकिन भोपाल में आपको एक दो शॉप है वहां पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा. ये मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड भी करूंगा क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस हैं, जहां पे जरूरत रहेगा वहां पे. ये आपका मेन एमसीबी है, ये आपका मेन आपका कॉन्टेक्टर है. ये कॉन्टेक्टर के तीन मेन कॉन्टेक्ट है. इसमें ऑक्सिलरी नहीं लगी है स्टूडेंट्स, अभी भी इसमें ऑक्सिलरी एक भी नहीं है. ये तीन मेन कॉन्टेक्ट है. ये आप देखो यहाँ पे 11 किलोवाट का कॉन्टेक्टर है. ये 11 किलोवाट का कॉन्टेक्टर है. ये तीन मेन टर्मिनल्स है और इसकी A1 A2 पीछे है. A1 A2 पीछे और ऑक्सिलरी एक भी नहीं लगी है. अभी ऑक्सिलरी को ये अटैच करेगा. ये पुश बटन है, नॉर्मल पुश बटन है. मैं थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करता चलूंगा ताकि वीडियो सारे के सारे हम कंप्लीट कर सके. ये आपकी एमसीबी हो गई. ये आपकी एमसीबी तीन पोल की एमसीबी है स्टूडेंट, आर बी और वाई फेस. तीन फेस के लिए तो आपको तीन पोल की एमसीबी लाना है. ये पुश बटन स्विच है और ये नीचे कॉन्टेक्ट है इसका. और ये जो है टॉगल स्विच कहलाता है. ये जो है रोटरी स्विच है. ये रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच है, इसको रोटरी स्विच कहते हैं. ये कॉन्टेक्ट है पीछे के. ये कॉन्टेक्ट आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं. ये कॉन्टेक्ट अलग से आएगा. रेड और ग्रीन कलर के दो आएंगे. एक ओपन कॉन्टेक्ट है, अगर ग्रीन कलर का है तो ओपन कॉन्टेक्ट है और लाल कलर है तो क्लोज कॉन्टेक्ट है. अब देखो ये इसने ये जो है ये पीछे देखो स्टूडेंट, यहाँ पीछे देखो ये A1 A2 के पॉइंट है. ये मेन कॉन्टेक्ट हो गए, ये मेन कॉन्टेक्ट के इनपुट है और मेन कॉन्टेक्ट का आउटपुट नीचे से है. और ये A1 और A2, ये देखो A1 का यहाँ पे है और A2 नीचे इस साइड है. A1 और A2 ये कॉयल है. ये 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर. ये देखो A1 और A2, ये A1 और A2, ये पीछे आपको ये जैसी प्रेस करोगे तो ये आगे अंदर खींचेगा और ये तीन कॉन्टेक्ट आपस में चालू हो जाएंगे. ये A1 और ये A2 है, ये A1 है और ये A2 है. अब जो है वायरिंग करके दिखाएंगे. थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा मैं. ये A1 और A2 से कनेक्शन कर लिया इन्होंने. देखो पीछे A1 और A2, ये देखो ये जैसी सप्लाई इसको दे कॉन्टेक्टर खींच रहा है. देखो ये जैसी सप्लाई मिल रही है इसको, ये कॉन्टेक्टर लैच हुआ और ये जो तीन टर्मिनल से ये नीचे से शॉर्ट हो जाएंगे. ये A1 A2 है, ये कॉयल है कॉन्टेक्टर. ये कॉयल है कॉन्टेक्टर की. अगर 24 वोल्ट का होगा तो 24 वोल्ट देना पड़ेगा, और 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है तो 220 वोल्ट देना पड़ेगा. अब देखो स्विच के साथ मैं थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा. स्विच के साथ देखो कैसे ये स्विच का एनो है. ये देखो ये बटन प्रेस होने पे, मैं एक बार दिखाता हूँ. ये 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है. ये देखो ये स्विच का ये कॉन्टेक्ट हो गया. ये एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो लिखा हुआ है इसके ऊपर. और ये स्विच है तो दो पॉइंट निकलेंगे स्विच के, यहाँ से यहाँ के. और ये ओपन कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट इस टाइप का रहता है. और ये देखो ये प्लंजर है. ये प्लंजर जब प्रेस होता है स्विच प्रेस होने पे, ये प्रेस होने पे स्विच प्रेस होता है तो ये ओपन कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. ये ओपन कॉन्टेक्ट चालू हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में शॉर्ट सर्किट बन जाता है जैसे आप इसके साथ लगाओगे. तो ये देखो सीरीज में कनेक्ट करना है. ये सीरीज में फेज यहाँ पे आ गया है और फेज को ले जाके आपको A1 पे लगा देना है. न्यूट्रल डायरेक्टली चला गया है. देखो न्यूट्रल डायरेक्टली आ गया है ब्लैक कलर के वायर से. फेज यहाँ पे आया है, ओपन कॉन्टेक्ट में आया है और फिर यहाँ से एक वायर निकला है सीरीज में लगाया है. देखो फेज यहाँ से आया, रेड वायर से फेज यहाँ पे आया है और यहाँ से वायर निकल करके ये कॉन्टेक्ट टर्मिनल में चला गया है. फेज यहाँ से निकला है और यहाँ पे गया है. अब जब आप प्रेस करोगे तभी जो है ये शॉर्ट होगा और करंट का पाथ होगा यहाँ रेड वायर से होते हुए कॉन्टेक्टर से होते हुए ये ब्लैक वायर में, तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा.
ये देखो इसने कॉन्टेक्टर को प्रेस किया, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कॉन्टेक्ट शॉर्ट सर्किट हुआ और ये देखो ये जो है कॉन्टेक्टर चालू हो गया, ये कॉन्टेक्टर चालू हो गया, लेकिन इसमें होल्डिंग नहीं है स्टूडेंट। जैसे ये छोड़ देगा देखो ऑटोमेटिकली ये वापिस चला जाएगा, जैसे ये छोड़ देगा, और इसकी जगह अगर रेड वाला कॉन्टेक्ट होता तो स्टूडेंट क्या होता, अगर आप रेड वाला लगाते तो ये कॉन्टेक्ट जो है बाई डिफॉल्ट चालू मिलता आपको, और जैसे ही आप प्रेस करते तो ये कॉन्टेक्ट जो है ऑफ हो जाता, क्योंकि वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। अगर आप रेड वाला लगाते हैं यहाँ पे, रेड वाला लगा के वायरिंग करते तो आपको ये कॉन्टेक्टर जो है चालू मिलता, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टेक्ट है, तो ये पाथ यहाँ से कंप्लीट रहता, और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते तो क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता और ये कॉन्टेक्टर जो है ऑफ हो जाता। अब आप देखो ये ऑक्सिलरी आ गया स्टूडेंट। अब देखो आपको होल्डिंग कराना है, मैंने बताया होल्डिंग के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी, होल्डिंग के लिए यहाँ से आपको मोटर लगाना है, ये मोटर की तीन फेज आ जाएगी आर बी और वाई, और मोटर की तीन फेज यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। इस पे आपको कुछ भी वायरिंग नहीं करना है, इसको कोई भी कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग नहीं करनी है इसके ऊपर, आपको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट खरीद के लाने पड़ेंगे अलग से, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट आपको अलग से लगेगा, ये आपने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट खरीदा है यहाँ पे। आप देखो इसको कैसे अटैच करना है, ये मैंने दिखाया भी था आपको, मेरे पास भी यही सेम कंपनी का कॉन्टेक्टर था, तो उसमें जो है ये साइड में लॉकिंग होती है, ये साइड में यहाँ से लॉकिंग होगी, ये देखो ये देखो ये यहाँ पे होल्ड हो गया, ये साथ में इसके साथ लॉक हो जाएगा, तो जैसे ही ये अंदर खींचेगा तो ये लॉकिंग के साथ ये भी खींचेगा अंदर, और इसमें देखो इस ऑक्सिलरी में दो कॉन्टेक्ट है, ये ऊपर वाले ओपन है और नीचे वाला क्लोज है, एक ओपन और एक क्लोज मिला है आपको। तो आपको होल्डिंग के लिए मैंने बताया था कौन सा ओपन कॉन्टेक्ट पैरेलल में लगाना है इसके साथ, ये देखो अब आप जब से ही प्रेस करोगे तो देखो ये दोनों एक साथ में एक्टिवेट हो रहे हैं, ये भी एक्टिवेट हो रहा है और ये भी एक्टिवेट हो, मतलब मेन कॉन्टेक्ट भी चालू हो रहे हैं और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी चालू हो रहे हैं, ये देखो मेन कॉन्टेक्ट भी चालू हो रहे हैं और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी चालू हो रहे हैं। इसमें देखो दो कॉन्टेक्ट मिले, एक ओपन मिला है एक क्लोज मिला है। आपको होल्डिंग के लिए मैंने बता दिया है 50 बार कि जो है आपको ओपन कॉन्टेक्ट लेना है और पैरेलल में इसके साथ कनेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा, अब देखो पैरेलल में कैसे यहां से दो वायर निकलेंगे और इसके दो पॉइंट पे टच हो जाएंगे, कोई स्टूडेंट का डाउट है क्या? सर कंटिन्यू प्लीज। ओके अब देखो ये कॉन्टेक्टर के देखो ये ओपन कॉन्टेक्ट ले आया है, नीचे वाला ओपन है ऊपर वाला क्लोज है, ये ऊपर से दो वायर निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा एक ये, अब इसके साथ पैरेलल में लगाना है, पैरेलल कनेक्शन आपको करना है, तो यहाँ से एक लेके यहाँ लग जाएगा और एक वायर यहाँ से लेकर के दूसरे वाले पॉइंट पे लग जाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन है, सिंपल पैरेलल कनेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से आप करोगे तो ये आप कर लोगे, ये देखो नीचे वाले वायर से एक वायर लेंगे, ये ओपन वाले कॉन्टेक्ट से मैंने बताया, ये ओपन वाला कॉन्टेक्ट से इसके पैरेलल में लगाना है, ये पैरेलल में आपके साथ यहाँ अटैच हो जाएगा, ये एक यहाँ अटैच होगा एक इस पॉइंट पे अटैच होगा, ये होल्डिंग हो रहा है, ये होल्डिंग के लिए लगा रहे हैं हम, ताकि जब ये बटन ऑफ हो जाए तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, कॉन्टेक्टर दबेगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, ये देखो ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है अपन ने, ये पैरेलल में आ गया है, आप देखो कॉन्टेक्ट होल्ड हो जाएगा, अब जैसे ही आप प्रेस करोगे कॉन्टेक्ट होल्ड हो जाएगा, मेन को टच नहीं करना है, मेन पे लोड लगेगा, कभी भी मेन को नहीं टच करेंगे आप लोग, ये मेन कॉन्टेक्ट को नहीं टच करेंगे, ये 11 किलोवाट के कॉन्टेक्ट हैं, ये मेन कॉन्टेक्ट जो है 11 किलोवाट के, ये ऑक्सिलरी के ऊपर आपको कंट्रोल की वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ये जो है, और ये आपको अगर ऑफ करना है तो सीरीज में इसको भी लगाना है, क्योंकि नहीं तो ऑफ नहीं होगा सर्किटरी, क्योंकि ऑफ करने के लिए सर्किट को एक बार काटना पड़ेगा, तो ये सीरीज में आप लगाओगे तभी ये सर्किटरी ऑफ होगी। अब आप देखो ये वायरिंग एक बार इन्होंने फिर से करके बता दी है, ये A1 A2 ये 220 वोल्ट, एक मिनट में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्टली दे दो, ये इसके साथ सीरीज में, ये ओपन स्विच हो गया, ये ऑन के लिए और ये क्लोज स्विच है ऑफ के लिए, ये ऑन के लिए, और ये पैरेलल में देखो ये एनसी के साथ आपको लगाना है होल्डिंग के लिए, ये पुश बटन है, ये ऑन स्विच है, इसके साथ एनओ को जो है आपको पैरेलल में लगाना है, ये इसके साथ एनओ को आपको पैरेलल में लगाना है, तभी कॉइल जो है ये होल्ड होगा, नहीं तो ये कॉइल जो है आपका होल्ड नहीं होगा, ये कॉइल जो है आपको होल्ड करने के लिए आपको ये एनओ को, ऑक्सिलरी के एनओ को इसके साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तभी ये कॉइल होल्ड होगा। कैसे होल्ड होगा? जैसे ही आप ये बटन प्रेस करके छोड़ दोगे तो ये पाथ चालू हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा तो ये पाथ चालू रहेगा, ये A1 A2 को सप्लाई प्रोवाइड कराता रहेगा, ये बंद नहीं होगा जब तक कि आप किसको नहीं करोगे, ये जब तक कि आप इस नीचे एक स्विच है इसको जब तक ऑफ नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगा, नीचे एक स्विच है जब तक ये बंद नहीं होगा जब तक आप इसको नहीं करोगे। तो कोई स्टूडेंट का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके ऊपर, कोई मैं आपको अभी के अभी रिप्लाई करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ फिर।
स्टूडेंट का डाउट है विच टर्मिनल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, विच टर्मिनल किसका, स्विच का कि कॉन्टेक्टर का? स्टूडेंट जिसका डाउट है एक बार आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ लीजिए। कॉन्ट्रेक्टर हाँ, कॉन्टेक्टर का कौन सा, कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी यूज करना है होल्डिंग के लिए। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी आपको खरीदना पड़ेगा, वो जो साइड में उन्होंने लगाया ना आपको वीडियो में भी दिखाया। सर उसका नंबर क्या होता है सर? किसका नंबर सर, जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है उसका एक नंबर होता है पर्टिकुलर नंबर, मतलब मॉडल नंबर? यस नो सर, वो मॉडल जो नंबर कॉन्टेक्ट दिए रहते। मॉडल, हाँ वो जो कॉन्टेक्टर है, आप देखो आप मॉडल नंबर से मत जाना, आप तो आप शॉप में जाओगे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का मांगोगे, वो साथ में आपको पूछेगा ऑक्सिलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप उससे बोलोगे ऑक्सिलरी चाहिए तो वो आपको उसी कंपनी का मैच करके देगा। नंबर से आप मत जाना क्योंकि फिर वो नंबर से पता चला आपने कुछ नंबर बोला वो गलत, उसने कुछ समझ नहीं पाया, तो आप सीधा जो भी कॉन्टेक्टर आप लोगे, मान लो 5 HP का मोटर चलानी है आपको, 5 HP का कोई कंट्रोल पैनल डिजाइन करना है, तो आपने 5 HP का कॉन्टेक्टर लिया तो आप साथ में उसको बोलना भैया इसका ऑक्सिलरी भी दे दो, एक ओपन और एक क्लोज, एक ओपन एक क्लोज, जैसा भी आप जो भी सर्किट डिजाइन कर रहे हो, अगर आपको दो ओपन दो क्लोज की चाहिए तो आप उससे बोलना दो ओपन दो क्लोज चाहिए, ऑक्सिलरी दे देना, तो वो कॉन्टेक्टर के साथ आपको ऑक्सिलरी मैच करके देगा। आ रहा है समझ में? नंबर से नहीं जाना, नंबर से आप जब जाओगे, जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप नंबर से जाना, जब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आप तो शॉप से नंबर से नहीं जाना। वो पूछो नेक्स्ट। नो सर, मेरा ये डाउट नहीं था सर। तो फिर सर एक्चुअली मेरा डाउट था कि सर जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं उनका नंबर क्या होता है, जैसे 95 96 होता है जस्ट लाइक? नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, नहीं होता सर। नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, उसके ऊपर लिखा रहेगा एनओ और एनसी, उसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के ऊपर लिखा रहेगा एनओ और एनसी, अगर एनओ लिखा है तो आप समझ जाओ वो दो कॉन्टेक्ट ओपन टाइप के हैं, और जहां एनसी लिखा है वो दोनों कॉन्टेक्ट क्लोज टाइप के, उसमें सर कोई आपके नंबरिंग पास, नहीं होती। सुब्रतो सर आपके पास यस सर, यस सर। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होगा वो जगह हाँ वेबकैम के हाँ ऊपर रख मैं के नहीं सही ऑक्सिलरी रहेगा? कॉन्टेक्ट का, मैं एक मिनट में कॉन्टेक्टर का मैंने वीडियो बनाया है, मैं वो वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ, हाँ एक हाँ वो मिनट दिखाइए तो थोड़ा बच्चे का एक जो मिनट डाउट है वो और क्लियर हो पाएगा। देखो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये कंपनी का कॉन्ट्रेक्टर है, ये देखो ये साइड में ऑक्सिलरी है, ये दिख रहा है ना, ये साइड में ऑक्सिलरी है, जो साइड में दिख रहा है ये ऑक्सिलरी है, ये मेन कॉन्टेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है, ये एक ओपन है, ऊपर वाला ओपन है, नीचे वाला क्लोज है, इस साइड में डायग्राम आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, या तो मल्टीमीटर लो और मल्टीमीटर से चेक कर लो, ये ऑक्सिलरी खुल गया, देखो ये ऑक्सिलरी ओपन हो गया इसका, इसमें एक ओपन है एक क्लोज है, मल्टीमीटर लेके चेक कर सकते हो, जहां पे शॉर्ट बताएगा वो क्लोज कॉन्टेक्ट है और जहां ओपन बताएगा वो ओपन कॉन्टेक्ट है, ये देखो ये यहां से लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ ये अटैच होगा। सर क्या ऑक्सिलरी में भी कोई रेटिंग लिखा हुआ है? बच्चा बेसिकली ये ऑक्सिलरी जानना चाह रहा है ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी में ऑक्सिलरी में भी रेटिंग रहती है, वो आपको हर कॉन्टेक्टर के ऊपर अलग टाइप की रेटिंग लिखी रहेगी, आप उसको पढ़ सकते हो, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के ऊपर लिखा रहेगा 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, जितना भी उसका उस ऑक्सिलरी का रेटिंग होगा वो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग लिखा रहेगा, पर एकदम अपन नहीं कह सकते कि इतना ही रहता है वो, पर जो है जैसे मान लो ये 7 पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्टर है ये 7.5 किलोवाट का है, तो इसके जो मेन कॉन्टेक्ट है ये 7.5 किलोवाट के, लेकिन जो ऑक्सिलरी है इसकी रेटिंग वो बहुत कम होगी, ये मुश्किल से 1 एम्पियर ले सकता है, मतलब 200 वाट 300 वाट, इससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि कंट्रोल में तो इससे ज्यादा की आपके करंट पास सर जरूरत ही अभी नहीं जैसे होती। कोई ऑक्सिलरी हो ये जिसका आपने वीडियो बनाया था उसके हाँ ऑक्सिलरी का जरा रेटिंग प्लेट आप जरा बच्चे को बताइएगा, ऑक्सिलरी का रेटिंग प्लेट आपको कैमरे में दिखेगा? एक एक बार देखिए दिख ऑक्सिल जाए तो अच्छा है। एक मिनट में ट्राई करता हूँ। ये ऑक्सिलरी की रेटिंग में दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिखेगा एक मिनट सर, मेरा स्क्रीन फुल हो गया है, मेरा कैमरे की स्क्रीन फुल कर दीजिए। हेलो अमित सर, हेलो सर, हाँ स्क्रीन अमित सर शेयरिंग अपना बंद कीजिएगा, अभी ऑन है शायद इसलिए फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। देखिए स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद कर दिया है, नहीं स्क्रीन पे तो मुझे दिख रहा है आपका अभी वीडियो। अभी वीडियो दिख रहा है। अब बंद हुआ,
अभी दिख रहा है सर, अभी भी दिख रहा है, तो ये फिर मैं बंद तो नहीं कर पा रहा हूँ। स्टूडेंट इसमें रेटिंग लिखी होती है, मैं आपको कल या तो फिर मैं आपको कल चेक करा दूंगा, आपको इस कैमरे से शायद ही दिखे ये रेटिंग, ये स्क्रीन के ऊपर देखो, ये आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर ऑक्सिलरी दिख रहा है मैंने मेरे हाथ में, पर इसकी रेटिंग आपको, रेटिंग आपको नहीं दिख रही होगी। इसमें रेटिंग क्या लिखा है सर, आप एक बार बस पढ़ दीजिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ, 48 वोल्ट, 48 से 120 वोल्ट पे 6 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता है, 120 से 240 वोल्ट में 4 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता है, 240 से 440 वोल्ट पे 2 एम्पियर, और 120 से 220 वोल्ट पे 4 एम्पियर, और 440 से 640 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर, बस इससे ज्यादा की करंट आप नहीं डाल सकते ऑक्सिलरी के ऊपर, बस ये लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है सर। बाकी ये है कि जब मुझे मालूम है कि अभी इसमें बच्चों को कुछ डाउट हो रहा होगा, एक बच्चे का जैसे डाउट आ रहा है होल्डिंग का 13 और 14 होता है क्या? नहीं, मैंने फिर से बता दिया नंबर नहीं होता, फिर से आप कंफ्यूज क्यों हो रहे? आपको आप पता चला श्नाइडर कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर लेके आया उसमें 13-14 लिखा हुआ है, और आप मान लो कि दूसरे, मान लो एबीबी का कॉन्ट्रैक्टर लिखा है उसमें कुछ और नंबर लिखा है, फिर कैसे होगा? इसीलिए नंबर से नहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार नंबर से नहीं जाना है, एनओएनसी कॉन्ट्रैक्ट देख करके आपको जाना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ, हर कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप के आता है, आप ये नेक्स्ट वीडियो देखो आपको खुद ही क्लियर होगा। एक मिनट में आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करता हूँ। और बाकी क्या है कि बेटा जब कॉलेज में आएंगे सर तो ये चीजों को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कैसे वायरिंग करना है, तो ये जो थोड़ा मोड़ा आप लोगों को डाउट क्रिएट भी हो रहा है, ये जब आपके पास होगा सामने कॉन्ट्रैक्टर तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आप बस समझिए चीजों को। स्टूडेंट देखो नंबर से नहीं होता, मैं आपको फिर से बार बार यही बताना चाहूंगा कि नंबर से नहीं होगा, क्योंकि जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, किसी में हो सकता है नंबर हो किसी में नहीं, तो कोई डिपेंड नहीं करता। कितने सीमेंस के भी कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, एबीबी के भी कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, श्नाइडर के भी आएंगे, फिर बीसीएच के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, ऐसे तमाम कंपनीज हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं है नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता। अब देखो ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही कुछ वीडियो है, ये भी मैंने नेट से लिया है, तो ये देखो ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट श्नाइडर का है, देखो ये श्नाइडर कंपनी का है, ये श्नाइडर कंपनी देखो दो ऑक्सिलरी आपको आपको देती है, यहाँ पे ये जो दो दिख रहा है कोने में ये दो ऑक्सिलरी आपको कंपनी डायरेक्टली देती है, अगर आपको और भी ऑक्सिलरी चाहिए तो ये आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, ये डब्बी आती है अलग से, ये देखो श्नाइडर की डब्बी है, ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, इसमें दो दिए हुए, एक ओपन दिया हुआ है एक क्लोज दिया हुआ है। एक मिनट में ये वीडियो करता हूँ, ये देखो स्टूडेंट ये देखो ये आपको इसमें दिख रहा है अलग अलग, ये श्नाइडर कंपनी के ऑक्सिलरी है, सब ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है, ये देखो इसमें एक ही ऑक्सिलरी है, एक ही दिया हुआ है, ये देखो एक ही ओपन कॉन्टेक्ट है, ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी इसमें देखो कितना है, इसमें चार ऑक्सिलरी है, दो ओपन होंगे दो क्लोज होंगे, ये कॉन्टेक्टर है इसके साथ, ये देखो इसके साथ अटैच्ड है ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी किसी किसी कॉन्टेक्टर में ऑक्सिलरी अटैच्ड आएगी। अब स्टूडेंट ये देखो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कंपनी तो नहीं दिख रही कौन सी कंपनी का है, इसमें देखो ये मेन कॉन्ट्रैक्ट पीछे है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट पीछे है जहां पे मोटर का लोड लगेगा, और ये A1 और A2 कॉइल ये देखो पीछे है, ये A1 और A2 कॉइल है यहाँ पे जहां पे आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, अगर 220 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर होगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे, और अगर 24 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर होगा तो 24 वोल्ट की सप्लाई दोगे, और देखो ये कंपनी बाय डिफॉल्ट ही आपको कितने एनओएनसी दे रही है, देखो ये कितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें चार एनओएनसी आपको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है इसके ऊपर, ये देखो ये एक एनओ है यहाँ पे ऑक्सिलरी में, एक एनसी है यहाँ पे, फिर एक एनसी और एक एनओ, मतलब दो एनओ और दो एनसी इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है, तो आप कोशिश करना आप ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मार्केट से लाओ जिसमें बाय डिफॉल्ट दिया हो, आपको अलग से डब्बी ना खरीदना पड़े, नहीं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर के भी पैसे देने पड़ेंगे और ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट की डब्बी खरीदने के लिए अलग से आपको फिर ये पैसा देना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्टर खरीदे जिसमें की मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑक्सिलरी साथ में आ रही हो। ये देखो ये ऑक्सिलरी, ये एनसीएम मतलब ये चालू है, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा तो ओपन हो जाएगा, ये ओपन है
तो ये ओपन है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली ओपन है, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, जैसे यहाँ पे सप्लाई दोगे ये कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा तो ये एनओ से एनसी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो, ये ऑक्सिलरी में देखो सिर्फ दो है, एक ओपन है एक क्लोज है, इसमें चार है, ये ऑक्सिलरी की डब्बी है अलग से खरीदनी पड़ेगी, इसमें देखो एक ही है, इसमें दो है। अब देखो ये कॉन्टेक्टर की कॉयल हो गई, ये इसका डायग्राम है, ये कॉन्टेक्टर की कॉयल हो गई, ये मेन कॉन्टेक्ट हो गए, ये इसके मेन कॉन्टेक्ट हो गए, थ्री फेज के, थ्री फेज इनपुट यहाँ से दोगे और लोड यहाँ से कनेक्ट होगा। जैसे कॉन्टेक्टर की कॉयल दोगे ये कॉन्टेक्ट चालू होंगे, लोड को सप्लाई मिल जाएगा, ये मेन कॉन्टेक्ट हो गए, ऑक्सिलरी अलग होता है। तो स्टूडेंट ये देखो ये इस टाइप से है, तो आपको मेन कॉन्टैक्ट के साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आपको अलग से खरीदना पड़ेगा अगर आपके कॉन्टेक्टर में नहीं है तो, और आपके कॉन्टैक्ट आप ऐसे कॉन्टेक्टर लाओ इसमें कि एटलीस्ट आपको दो ऑक्सिलरी आपको एक ओपन और एक क्लोज मिल जाए तो आपका काफी काम हो जाएगा। नहीं तो कोशिश ये करना है कि दो ओपन दो क्लोज साथ में हो तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको अलग से ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट नहीं खरीदना है स्टूडेंट। तो आप मेरे से पूछा अगर कोई, अगर आपको डाउट है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के ऊपर, आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट वो होते हैं जो कि कंट्रोल की वायरिंग में यूज होते हैं, मेन कॉन्टेक्ट वो होते हैं जो पावर की वायरिंग में यूज होते हैं। दो तरह की वायरिंग बनेगी हर कंट्रोल पैनल में, पावर की वायरिंग और एक कंट्रोल की वायरिंग। कंट्रोल की वायरिंग जो है लो एम्पियर की वायरिंग होती है और पावर की वायरिंग जो है हाई एम्पियर की वायरिंग होती है। सर नेक्स्ट बताऊं, कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? स्टूडेंट कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछो, कुछ तो क्लियर होगा, एटलीस्ट आपके पास सामान नहीं है, अपन सामने नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ तो क्लियर होगा पूछने से। बेसिकली आप लोगों को देखिए ये डाउट इसलिए, मतलब दिक्कत इसलिए भी जा रही होगी क्योंकि अभी आपके पास है नहीं कॉन्ट्रेक्टर, अगर ये होता तो ये कुछ भी डाउट आप लोगों को नहीं होता। पर ठीक है, हम लोग फिर भी प्रैक्टिकली कराएंगे क्लास में एक बार। ठीक है सर, आगे इसको बढ़ाइए सर हाँ समझे। नेक्स्ट बताऊँ, हाँ नेक्स्ट एक वीडियो है देखो स्टूडेंट, एक नेक्स्ट एक वीडियो में एक एनिमेशन शेयर करता हूँ, देखो काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मुझे लग रहा है इस वीडियो से। एक मिनट शेयर हो रहा है। देखो थ्री वाला, थ्री फेस का जो मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड मैंने बताया था, ये वो वाली वायरिंग है। मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके दिखाऊंगा। अब देखो क्या क्या लगेगा, मैंने आपको बता दिया था क्या क्या आपको खरीदना पड़ेगा थ्री फेज मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड वाला। अगर आपको कंट्रोल पैनल बनाना है, मेन सर्किट ब्रेकर, यहाँ से तीन फेज आएंगे, फिर उसके बाद तीन फेज कहाँ चले जाएंगे, ये कॉन्टेक्टर में चले जाएंगे, फिर कॉन्टेक्टर से निकलेंगे थर्मल ओवरलोड रिले में जाएंगे, थर्मल ओवरलोड रिले से जाकर के सीधा मोटर को चले जाएंगे। तो आपको क्या क्या खरीदना पड़ेगा, एमसीबी खरीदना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर है, एक रिवर्स का कॉन्ट्रेक्टर है, एक थर्मल ओवरलोड रिले है और ये ऑक्सिलरी है। ये ऑक्सिलरी मैंने बताया था, अगर ये ऑक्सिलरी इसके साथ नहीं आएगा तो आपको ऑक्सिलरी अलग से खरीदना पड़ेगा, ये ऑक्सिलरी इसके साथ अटैच होगा। फिर ये मेन सर्किट ब्रेकर है, ये मेन सर्किट ब्रेकर है और ये जो है ये मेन सर्किट ब्रेकर, आप कंट्रोल ब्रेकर ये आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आप ये एक एमसीबी लगा ही रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तीन स्विचेस है, एक स्टॉप का स्विच है, एक फॉरवर्ड का स्विच है और एक रिवर्स का स्विच है। स्टॉप स्विच क्लोज टाइप का है, ये इसके पीछे इसका कॉन्टेक्ट है, लाल रंग का होगा, ये ध्यान रखना आपको, ये लाल रंग का खरीद के लेके आना है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये इसके ओपन कॉन्टेक्ट है, ये हरे रंग के आएंगे, ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये इसके हरे रंग के कॉन्टेक्ट है। बाकी ये लैंप है, ये देखो ये इन्होंने चार लैंप भी यूज करे हैं, फॉरवर्ड के लिए दो हरे लैंप है फॉरवर्ड और रिवर्स वाले, जब मोटर फॉरवर्ड पे चलेगी तो फॉरवर्ड वाली लैंप चलेगी, मोटर रिवर्स पे चलेगी तो रिवर्स वाली लैंप चलेगी, मोटर अगर रुकी हुई है तो स्टॉप वाला लैंप चलेगा और ये मोटर स्टॉप, और अगर मोटर चल रही है रनिंग में है तो ये टी वाला लैंप चलेगा, और साथ में फॉरवर्ड में है तो फॉरवर्ड वाला, मतलब मोटर अगर चल रही है तो टी वाला लैंप जलेगा और फॉरवर्ड वाला जलेगा, मतलब मोटर चल भी रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वाला लैंप और ये वाला जल रहा है मतलब मोटर चल रही है और रिवर्स डायरेक्शन में हो, और अगर ये वाला है तो जो है मोटर स्टॉप है। अब देखो कैसे करके वायरिंग, सबसे पहले पावर की वायरिंग कर रहे हैं इन लोग, ये पावर की वायरिंग आई, तीन फेज आ गए, RBY तीन फेज डायरेक्टली जाएंगे इसके अंदर। ये तीन फेज आ गया, तीन फेज आपने डायरेक्टली दे दिया यहाँ पे,
नीचे मैंने बताया था एक फेस पलटेगा, नीचे एक फेस पलटना पड़ेगा आपको। ये मोटे मोटे वायर यूज होंगे, इसमें ज्यादा थिक वायर यूज होंगे क्योंकि पावर की वायरिंग हो रही है, अभी कंट्रोल की वायरिंग नहीं है। ये एमसीबी, ये क्या अटैच हो गया इसके साथ, थर्मल ओवरलोड रिले अटैच हो गया इसके साथ। ये थर्मल ओवरलोड रिले से डायरेक्टली ये वायर यहाँ पे आ गए, अब कंट्रोल की वायरिंग स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट ये कंट्रोल की वायरिंग स्टार्ट हो रही है, अब देखो सबसे पहले मैंने डायग्राम अगर आपके पास हो तो सबसे पहले स्टॉप, ये यहाँ से ये सबसे पहले वायर आया, फेज आया यहाँ से, ये एमसीबी तुम नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेज का वायर यहाँ से आया और फेज का वायर सबसे पहले कहाँ चला जाएगा, स्टॉप स्विच में, ये स्टॉप स्विच के अंदर जाएगा। नहीं थर्म, इन्होंने सबसे पहले थर्मल ओवरलोड, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरीज में कनेक्शन है तो आप चाहे तो उसमें भी डाल सकते हो। ये देखो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो, ये थर्मल ओवरलोड रिले का मैंने बताया था एनओएनसी होता है ऊपर, ये जब भी मोटर ओवरलोड होगी तो ये देखो ये एनसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एनसी है और ये एनओ है थर्मल ओवरलोड रिले का। आपने जो भी करंट की सेटिंग कर दी है, मान लो 8 एम्पीयर सेटिंग कर दी है, जब भी ये मोटर 8 एम्पीयर से ज्यादा करंट लेगी तो ये देखो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी यूज करना है। तो देखो ये सीरीज में आ गया, यहाँ से पावर आया, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, ये एमसी भी हटा सकते थे, यहाँ से डायरेक्टली आया सीरीज में, सबसे पहले पावर आया, कौन से बटन में गया, स्टॉप स्विच में। तो थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी अगर ओवरलोड नहीं होगा तो ये पावर इसके अंदर आया, फिर ये कॉन्टेक्ट से पावर निकला, ये दोनों बटन को चला जाएगा, पावर यहाँ पे आ गया, ये देखो फेज यहाँ पे आया, फेज यहाँ से आके ये दोनों बटन को फेज चला गया। अब फेज यही रुका रहेगा जब तक ये बटन प्रेस नहीं होगा, अब देखो नीचे से दो वायर निकलेंगे इसके कॉन्टेक्ट के, ये किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा, मैंने बताया था इंटरलॉकिंग करना है तो फॉरवर्ड के साथ रिवर्स का, रिवर्स के एनसी के साथ इंटरलॉकिंग होगी, फॉरवर्ड के साथ रिवर्स, ये देखो फॉरवर्ड के साथ रिवर्स का एनसी, फॉरवर्ड के साथ रिवर्स का एनसी ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी है, सब ऑक्सिलरी है, ऊपर वाले सब ऑक्सिलरी है, फॉरवर्ड के साथ रिवर्स का ऑक्सिलरी, फिर इसके साथ किसका कॉयल, A1 का कॉयल, ये देखो ये A1 पे चला गया है। आप डायग्राम अपने सामने रखोगे तो फिर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा वायरिंग। अब रिवर्स के साथ किसको इंटरलॉकिंग करना है, रिवर्स के साथ फॉरवर्ड को इंटरलॉकिंग करना है, तो फॉरवर्ड का क्लोज कॉन्टेक्ट, ये फॉरवर्ड का क्लोज कॉन्टेक्ट आ गया नॉर्मली क्लोज, यहाँ से वायर जाएगा और इसके इसके किस पे जाएगा, A1 पे जाएगा, यहाँ से वायर निकलेगा और इसके A1 पे चला जाएगा। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया है, इंटरलॉकिंग कर दी है, इंटरलॉकिंग कर दी है, अभी होल्डिंग नहीं कराई है इन्होंने, इंटरलॉकिंग कर दी है मोटर की और A1 और A2 के साथ सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब जो है यहाँ पे देखो ये होल्डिंग करा रहे हैं, ये होल्डिंग का कनेक्शन है एनओ के साथ, मैंने बताया ये स्विच के साथ एनओ लगेगा पैरेलल में होल्डिंग के लिए, ये स्विच के साथ पैरेलल एनो लग रहा है होल्डिंग के लिए, ये स्विच के साथ पैरेलल एनो लगेगा होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे दो होल्डिंग कराना पड़ेगा, एक इसका होल्डिंग फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड के साथ होल्डिंग कराना पड़ेगा, मतलब इसमें इसका एनो पैरेलल में लगाना पड़ेगा और रिवर्स के साथ रिवर्स का एनो पैरेलल में लगाना पड़ेगा होल्डिंग के लिए, ये दोनों होल्डिंग के लिए यहाँ पे एक एक वायर जोड़ना पड़ेगा। अभी अब इन्होंने लैंप की वायरिंग भी करी है, तो लैंप की वायरिंग इंपॉर्टेंट, आप लैंप की वायरिंग मत करो अभी, लैंप की वायरिंग मैंने नहीं बताई। अमित सर, हेलो अमित सर, आवाज कट गया था अभी, क्या बोला आपने? अमित सर आवाज, अमित सर अभी आवाज क्लियर है क्या? हाँ सर, ओके, हाँ ओके ओके। लैंप की देखो, आप कुछ बोल रहे थे, लैम्प की वायरिंग देखो मत करो अभी, मैंने इसीलिए नहीं कर, मैं लैम्प की वायरिंग तक मैं नहीं करा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा, लैम्प की वायरिंग आप मत करो, आप सिर्फ इतना तक कर लो, क्योंकि लैम्प की वायरिंग मैंने बताई नहीं है, इसी इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू ही आप लैम्प की वायरिंग भी कर सकते हो, पर लैम्प की वायरिंग अभी आप मत जाओ, सिर्फ आप मुझे इतना पूछो इसमें आपको डाउट है क्या। इसमें देखो सिंपल सा फंडा है, फॉरवर्ड के साथ होल्ड कराना है, फॉरवर्ड को होल्ड कराना है, फॉरवर्ड को होल्ड कराने के लिए फॉरवर्ड एफ वाले कॉन्टेक्टर का एनओ इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, रिवर्स को होल्ड कराना है तो रिवर्स का एनो इसके साथ पैरेलल में आपको करना है और इंटरलॉकिंग करनी है, मतलब इसको इसके इसके साथ इसके क्लोज में डालना है और इसका इसका इसके क्लोज में डालना है और फिर A1 और A2 को सप्लाई जानी है। ये वाला जो डायग्राम है आप सिंपल, मैं आपको एक बार और फिर शेयर कर देता हूँ।
ये स्टूडेंट ये डायग्राम है देखो, इन्होंने सेम वही डायग्राम यूज किया, ये एमसीबी में आ गया। सबसे पहले देखो उसमें एक एमसीबी लगी थी, ये एमसीबी में सबसे पहले आया है, एमसीबी से सीरीज में क्या लगा है, थर्मल ओवरलोड रिले के, थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी के साथ जाना है, ये सीरीज में आपको वायर डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑफ स्विच, लाल रंग के स्विच में कनेक्शन गया है, लाल रंग के स्विच से दोनों हरे रंग के स्विच में कनेक्शन आया है, यहाँ पे दोनों हरे रंग के स्विच में कनेक्शन आया है। हरे रंग का दूसरा वाला सिरा किसके, ये रिवर्स वाले एनसी में जाना है, रिवर्स के ऑक्सिलरी के एनसी में जाना है, और ये वाला किसके एनसी में जाना है, इसके एनसी में जाना है, के वन के एनसी में जाना है। और फिर ये वाला एनसी जो है आपको ए वन और ए वन ए टू में जाना है, और ये वाला वायर जो है रिवर्स के ए वन ए टू में जाना है, और ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होना है। और होल्डिंग के लिए आपको पता है ये इसके साथ, ये के वन के ऑक्सिलरी के साथ ये पैरेलल में जाना है, और ये एनओ के साथ इसका जो स्विच है इसके साथ इसका जो है एनओ जो है पैरेलल में जाना है। तो ये जो है आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल यही सर्किट है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सर्किट है जो मैंने आपको वीडियो दिखाया आपको, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सर्किट है। आप देखो यहाँ पे, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी एनसी है, ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी है, और ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये किसके हैं, ये फॉरवर्ड वाले के हैं और रिवर्स वाले के। ये इसमें देखो ये एनसी है, ये एनओ है, ये एनसी है, एनओ है, और ये ए वन और ये ए टू है, ये ए वन है और ए टू है, और ये मेन कॉन्टेक्ट हो गए पीछे जहां से पावर की वायरिंग हुई है। स्टूडेंट इसमें अगर आपको बिल्कुल कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ बताने की, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सर इनफैक्ट ये जो वीडियो था इससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, काफी कुछ क्लियर हुआ है मुझे तो ऐसा लग रहा है, काफी कुछ क्लियर हुआ है। आपके पास सामान नहीं है बस यही प्रॉब्लम है। अगर आप कॉलेज में अपने लैब में इलेक्ट्रिकल लैब में, मैं सर को बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप में प्लीज कॉन्ट्रेक्टर वगैरह आप परचेस करें, और स्टूडेंट लोगों को इस तरह की वायरिंग करने के लिए वो करें, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आराम से स्टूडेंट लोगों से इस तरह की वायरिंग बनवा सकते हैं। आप एक पैनल बनवा करके इस तरह की वायरिंग करवा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में। कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है पूछो, मैं कोशिश करूंगा बताने की जितना पॉसिबल हो सकता है। सर बताऊं नेक्स्ट? हाँ आगे नेक्स्ट। हाँ सर आप अगर पूछना चाहे कुछ स्टूडेंट के भी आगे आगे, आगे सर नेक्स्ट करते हैं। ओके 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 एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ सर, लास्ट वन मिनट है अप्रोक्स। अच्छा ये देखिए वही वायरिंग है स्टूडेंट, मैं नहीं तो आज अगर नहीं हो पाएगा ये। हाँ एक मिनट है, इस मैं करता हूँ फॉरवर्ड कर करके मैं आपको दिखा। शेयर हो गया ना स्क्रीन अमित सर? स्क्रीन शेयर हो गई है ना? ओके स्टूडेंट फास्ट फास्ट मैं बताता चलता हूँ। ये तीन स्विच है, ये दो ओपन स्विच है, एक क्लोज स्विच है, ये तीन कॉन्टेक्टर है, ये एमसीबी है, ये तीन कॉन्टेक्टर है, ये मेन कॉन्टेक्ट हो गया, ये थर्मल ओवरलोड रिले हो गया, थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी है यहाँ पे, ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी है, और इसमें ऑक्सिलरी पॉइंट्स के लिए देखो ऑक्सिलरी अटैच करेंगे इन लोग, इसमें ऑक्सिलरी है नहीं, इसमें ऑक्सिलरी अटैच करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है इस वीडियो में देखते हैं। ये A1 A2 है स्टूडेंट, ये A1 A2 में वायरिंग कर रहा है, जैसे जैसे उसमें वायरिंग करी है सेम वैसे वैसे वायरिंग हो रही है। ये देखो ये ऑक्सिलरी अटैच किया है स्टूडेंट इन्होंने, ये स्टूडेंट मैं बोल रहा था ना ऑक्सिलरी इसमें है नहीं, आपको खरीदनी पड़ेगी। देखो सीमेंस में इस तरह की ऑक्सिलरी आएगी, ये एक एक पोल की आएगी, तो आपको चाहिए तो आप एक पोल भी खरीद सकते हो, आपको दो पोल चाहिए तो दो पोल भी खरीद सकते हो, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। इसमें अटैच हो जाएंगे चार, देखो चार ऑक्सिलरी ऊपर अटैच हो जाएंगे, ये लॉकिंग मैकेनिज्म से अटैच होगा, जब ये चलेगा तो ये ऑक्सिलरी क्लोज होगी। ये स्टॉप स्विच की वायरिंग हो रही है, ये देखो इसका ऑक्सिलरी है, इसके ऊपर भी इन्होंने एक ऑक्सिलरी अटैच किया है,